तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेनली मेल्स के लिप्स के बारे में और उसके बारे में पूरा ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो ये ट्यूटोरियल स्टार्ट हो उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो करना ही, ये सबको पता है। और जो कमेंट में भी लिख दो कि ये ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो। तो ट्यूटोरियल पूरा का पूरा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पहले स्टोन कोल के ड्राइंग में हम बनाएंगे, दूसरा एज वाले में। तो पहले स्टोन कोल वाले स्केच में हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले डिफरेंसेस ये है, एज वाला सेकंड आएगा उसमें और इसमें, कि जो स्टोन कोल वाला है उसमें जो उनकी मॉस्टेज है मतलब मूंछ है उससे अपर लिप होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 90% जब भी फोटोज होते हैं उसमें मॉस्टेज होती है मेल में, तो वो क्या होता है कि अपर लिप्स होता है उसको ढक देती है, उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा दिख नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा इतने वो नहीं होते फोटोज जिसमें बोल सकते हैं कि पूरे क्लीन शेव फोटोज हो। तो प्रॉब्लम ही है कि जब भी हम अपर लिप की बात करते हैं मेल्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गायब ही रहती, इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है। और होता क्या है कि मूंछ के ऊपर जो शेडोज पड़ रही होती है उसकी वजह से वो अपर लिप पूरी ढक जाती है, और लोअर लिप इतने बड़े नहीं होते मोस्ट ऑफ मेल्स में। मैं मोस्ट ऑफ की बात कर रहा हूँ, सारे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें कैसा है कि इतनी ज़्यादा डिटेल्स जब हम बनाने का ट्राई करते हैं, कि जब हमने डॉक्टर स्ट्रेंज का स्केच बनाया था वांडा वाला जो रियलिटी ब्रेक हो रही थी वो वाला, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के जो लिप्स थे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिख रही थी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो 4K वॉलपेपर था, और 4K वॉलपेपर की मेनली थिंग ये होती है कि 4K या अल्ट्रा HD में जब भी जाते हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिखती है। अगर आप जब 150, 200, 300 स्केचेस से ऊपर चले जाओगे, जब आपको पूरे स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे, मतलब पूरे फेस के स्ट्रक्चर्स, बॉडी के स्ट्रक्चर अलग से, मतलब मेनली पोर्ट्रेट ड्राइंग में तो फेस स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, अगर आपको जब भी पता चल जाएगा वो सब, तो उसके बाद आप स्किन टेक्सचर भी बना पाओगे। उसके बाद आप जितने छोटी छोटी डिटेल्स जैसे नोज़ के ऊपर कैसे कर्व होती है स्किन टेक्सचर, फिर लिप्स में कैसे छोटी छोटी लाइंस बनती है, सब आपको आइडिया आ जाएगा। बट मेनली हमारे ये पूरी की पूरी चैनल ही इस पर है कि बिगिनर और इंटरमीडिएट आर्टिस्ट को कैसे आगे जाएं, ताकि उनको पता चले कि बेसिक्स कैसे क्लियर करना है। तो मेल्स का लिप मोस्ट ऑफ द टाइम अपर लिप तो गायब ही रहता है, मतलब दिखता है इतने ज़्यादा नहीं दिखते, और लोअर लिप थोड़ा बहुत दिख रहा होता है। उसके लिए हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। ग्रेफाइट पेंसिल को जितना हो सके उतना तो पहले आप शार्प कर लो। शार्प करना नहीं आता अगर आपको आर्टिस्टिक वे में, वो डिफरेंट होता है पूरा का पूरा। तो उसके रिलेटेड पूरा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा आई बटन में, वो आप चेकआउट कर सकते हो। शार्प कर लो पेंसिल को। उसके बाद शार्प करने के बाद पहले तो आउटलाइंस बना दो, और आउटलाइंस बनाते वक्त पेंसिल जो यूज़ करने वाले हैं हम वो है एच पेंसिल। मैं मैकेनिकल पेंसिल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप एच पेंसिल ही यूज़ करो। और बहुत लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कलर्स, मतलब लिप्स के कलर्स तो पिंक भी होते हैं, रेड भी होते हैं, अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसका सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो भी पिक्चर है उसको एडिटिंग में जाओ, मतलब एडिट बटन आपके गैलरी में मिल जाएगा, उसमें जाके जब सेचुरेशन है ऑप्शन मिल जाएगा आपको सेचुरेशन का, उसको ज़ीरो कर दो और आपको तुरंत ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो मिल जाएगा। और लिप्स का कलर ब्लैक है, वाइट है या ग्रे है, कुछ भी है, ब्लैक तो नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सेंटर की जो लाइन होती है वो ही ब्लैक होती है। जैसे आप स्टोन कोल का भी फोटो देख सको तो सेंटर लाइन पूरी आपको ब्लैक दिखेगी, इतने ज़्यादा टेथ नहीं दिख रहे। और एच की भी ड्राइंग आएगी उसमें भी सेंटर लाइन तो ब्लैक ही है, ब्लैक दिखेगी, पर उसको ब्लैक अभी नहीं बनाना है, उसको बाद में करेंगे। बेस लेयर एच पेंसिल से आउटलाइन बना दो, देन शेड करो उसको। शेड को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो टिश्यू। टिश्यू से जब ब्लेंड हो जाए उसके बाद यूज़ करो आपकी 3B या 4B पेंसिल। उससे जो जो पार्ट, जैसे सेंटर लाइन वाला पार्ट है, दोनों लिप्स के सेंटर वाला पार्ट है वो डार्क है, उसको थोड़ा बहुत 3B या 4B पेंसिल से डार्क करो। और ऐसे लोअर लिप है उसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स अगर आपको दिख रही है, छोटी छोटी लाइन्स और वो सब, तो वो डाल सकते हो। और एक और चीज़ की, अगर आपको मतलब डिटेल्स नहीं दिख रही है तो डिटेल्स अप्लाई मत करो। तो छोटी छोटी लाइन्स बना दी, उसके बाद फिर से उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो आपका मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश से ब्लेंड करना बहुत ईजी और बहुत अच्छा है, उससे क्या होगा स्किन टेक्सचर जैसा दिखेगा। उसके बाद फिर से यूज़ करो 5B या 6B पेंसिल सेंटर लाइन के लिए, जो सबसे डार्केस्ट है। उससे होगा क्या कि आपको मतलब कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, कि कुछ जो वाइटर पार्ट्स होंगे वो अलग दिख जाएंगे और डार्कर पार्ट्स हैं वो अलग दिख जाएंगे। तो लिप्स के आसपास वाला जो वाइटर पार्ट्स है, जैसे अपर लिप तो थोड़ा बहुत शेडोज़ में ही जा रहा है, लोअर लिप में जो जो वाइटर पार्ट्स है वो वाइटर पार्ट्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो मोनो इरेजर। मेनली जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल हमारा फीमेल लिप्स वाला था उसमें भी डिफरेंशिएशन यही था कि उसमें ज़्यादा डिटेल्स थी, फीमेल लिप्स वाला था उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी, मेल वाले थोड़े बहुत छोटे लिप्स होते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि फेस स्ट्रक्चर जैसे बियर्ड और उस सब में ही मेल्स में अलग अलग डिटेल्स बहुत ज़्यादा चली जाती है और बहुत ज़्यादा HD पिक्चर्स नहीं होते हैं। तो यही पूरे की पूरी चीज़ें थी। और मोनो इरेजर से आप हाईलाइट्स क्रिएट करते जाओ, और ग्रे कलर में ही मोस्ट ऑफ द टाइम लिप्स होंगे, बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं होंगे, ग्रे के आसपास ही चलेगा। तो 3B पेंसिल मैक्स टू मैक्स लिप्स के स्ट्रक्चर
बनाने के लिए उससे ज़्यादा यूज़ मत करो। और अगर कोई भी ये ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा। बाय बाय। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा है इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टैटूज़।